Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed about innate immunity. Now we are discussing about acquired immunity or adaptive immunity. तो acquired या adaptive immunity जो है वो innate immunity से कैसे differ करती है. तो सबसे basic difference होता है कि innate immunity by birth present होती है, बट अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो अडेप्ट करते हैं हम, बाद में आती है हमारी बॉडी के अंदर, बाद में हम एक्वायर करते हैं. सो अडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एज इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन, स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बोला जाता है. ठीक है, लाइफ टाइम में एक्वायर की जाती है. इसके अलावा अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिक है टू अ पर्टिकुलर पैथोजन और फॉरेन एंटीजन. कोई भी फॉरेन एंटीजन जो है उसके स्पेसिफिक होती है, क्योंकि बॉडी को पता है, बॉडी ने उसके उस पर्टिकुलर एंटीजन को पहले भी देखा है. ठीक है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक एंड एक्वायर्ड भी होती है. इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है कि ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी शो करता है. एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के स्पेसिफिक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी. जैसे मैंने यहाँ आपको ये स्पेसिफिक टर्म समझाई थी, तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी शो करेगा. इट इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन. तो हर एक एंटीजन को डिफरेंशिएट कर सकता है ये, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिटोप. एपिटोप आपको पता होगा क्या होता है. एपिटोप एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे एंटीबॉडी आके बाइंड करती है. तो एपिटोप को ये, किसी स्पेसिफिक एपिटोप को ये एकदम से देख लेता है, उसे पहचान लेता है. ठीक है, तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी शो करता है. नेक्स्ट क्या कैरेक्टर है अडेप्टिव इम्यूनिटी का? वो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी के पास एक मेमोरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में, जिससे उसे पता होता है कि उस पर्टिकुलर पैथोजन को उसने पहले भी देखा है. इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर पैथोजन. तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी उसी को बोलते हैं. तो आप बोल सकते हो कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉल प्रीवियस जो भी कॉन्टैक्ट में आया था पैथोजन, उसको ये इजिली रिकॉल कर पाती है और उसके लिए एक्ट करती है इन अ लर्न्ड मैनर. एक पहले से पता है उस बॉडी को कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसको मारने के लिए हमारी बॉडी ने 10 हथकंडे अपनाए थे. अब उनमें से मान लो कि 5 से कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पर्टिकुलर पैथोजन को, बट 6th वाला जो था उसने उस पैथोजन को मार दिया. ठीक है, तो हमारी बॉडी नेक्स्ट टाइम जब सेम पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो उसके पास मेमोरी होगी कि उन 10 में से 6th वाला था जिससे कि वो पर्टिकुलर पैथोजन मर गया था. ठीक है, तो उसके पास मेमोरी है, तो वो उस लर्न्ड मैनर में ही काम करेगी. वो 5 जो भी चीजें थी उन्हें करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी. वो डायरेक्टली 6th वाला स्टेप अपनाएगी. ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसे ही बोलते हैं. नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट फीचर क्या होता है? डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो डाइवर्स टाइप ऑफ एपिटोप्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है. बहुत सारे एपिटोप्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है अगर वो सिंगल अमीनो एसिड में भी डिफर करते हो. जैसे कि हमें पता है एंटीजन्स आर प्रोटीन्स, तो एपिटोप्स भी उसका पार्ट है, तो प्रोटीन होगा. तो उसमें अगर सिंगल अमीनो एसिड भी डिफर कर रहा है तो उसे भी वो रिस्पॉन्ड कर पाएगी. सो इट इज एबल टू डायग्नोज द डाइवर्सिटी ऑफ द एपिटोप्स जो भी उसे मिलते हैं. ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या फीचर है अडेप्टिव इम्यूनिटी का? तो फोर्थ फीचर है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन. इसका मतलब क्या है? सेल्फ सेल्स को, खुद के सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, उनसे जो उन्हें डिस्टिंग्विश करना उनसे जो बाहर से फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर एंटीजन आया है. ठीक है, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है.
तो अडेप्टिव इम्यूनिटी ये कर पाती है, इसे पता होता है कि सेल्फ टॉलरेंस एक्टिविटी ये शो करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर खुद का कोई सेल है उसका पर्टिकुलर एंटीजन है तो उसे वो टॉलरेट कर पाती है, बट जो नॉन सेल्फ है यानी बाहर से एंटर किया है उसे वो टॉलरेट नहीं करती है और उसके लिए रिस्पॉन्स शो करेगी। तो आई होप कि आपको ये फीचर समझ आ गए हो, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, डाइवर्सिटी एंड सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो काम कैसे करती है। तो देयर आर बेसिकली टू प्रोसेसेस बाय विच एक्टिव इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है एक्ट करती है। दो प्रोसेसेस क्या है, एक होती है एक्टिव प्रोसेस और एक होती है पैसिव प्रोसेस। इन्हें हम एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। इनके बारे में मैं ब्रीफली बता रही हूँ कि होते क्या है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है, जब नेचुरल एक्सपोजर होता है बॉडी का, यानी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, बॉडी इज जेनरेटिंग इट्स ओन एंटीबॉडीज, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है तो उसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये कब हो सकती है, या तो नेचुरल एक्सपोजर है, नेचुरली वो एंटीजन बॉडी के कॉन्टेक्ट में आया है, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर नेचुरली घुस गया है तो नेचुरल एक्सपोजर के टाइम पे काम करती है, या फिर वैक्सीनेशन के टाइम पे काम करती है। तो वैक्सीन में भी क्या बोलते हैं हम, डेड या इनएक्टिव वायरस डाल देते हैं बॉडी के अंदर। तो वैक्सीनेशन के दौरान भी बॉडी के अंदर जब वो वायरस एंटर कर गया है तो उस केस में हमारी बॉडी खुद से उसे रिकॉग्नाइज कर रही है और खुद से ही एंटीबॉडीज बना रही है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इस केस में क्या होता है, किसी और की बॉडी से एंटीबॉडीज डाली जाती हैं दूसरे की बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी वन है, इससे एंटीबॉडीज निकाल के, एंटीबॉडीज है हमारे पास, निकाल के दूसरे की बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल इसका लैक्टेशन के दौरान पे होता है, तो बेबी जो है वो खुद की एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा है तो मदर के मिल्क के थ्रू, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके थ्रू एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसफर की जा रही है बेबी की बॉडी के अंदर। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसके अंदर खुद से बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही, बाहर से एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में डाली जा रही हैं। यानी एक इम्यून पर्सन नॉन इम्यून पर्सन को एंटीबॉडीज दे रहा है। इम्यून पर्सन कौन होगा, जिसके पास खुद से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं पहले से ही, ठीक है, इम्यूनिटी है उसके पास। वो नॉन इम्यून पर्सन को एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज खुद से नहीं है। ठीक है, नॉन इम्यून पर्सन के पास एंटीबॉडीज नहीं है, क्लियर है ये बात। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इम्यून रिस्पॉन्स जो भी अडेप्टिव इम्यूनिटी शो करती है वो दो टाइप का होता है। किस किस टाइप का होता है इम्यून रिस्पॉन्स, जो भी अडेप्टिव इम्यूनिटी शो करती है दो टाइप का होता है, दो तरीके से मीडिएट किया जाता है। एक होता है विच इज मीडिएटेड बाय बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो मीडिएटेड बाय बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, उनसे मीडिएट होता है। तो बी सेल्स यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जो अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में शो होता है उसे बोला जाता है विच इज मीडिएटेड बाय टी सेल्स, मीडिएटेड बाय टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जिस इम्यूनिटी को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट्स जो है वो कैसे काम करते हैं, आपको पता होगा कि बी लिम्फोसाइट्स जो है खुद की एंटीबॉडीज बनाते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन आर बॉडी। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बन रही हैं, दीज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू सर्क्युलेट इन आर होल बॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज पूरी बॉडी के अंदर सर्क्युलेट करेंगी और जिस इम्यूनिटी को बनाएंगी उस इम्यूनिटी को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी कॉज करते हैं और जो टी सेल्स होते हैं इनके अंदर एंटीबॉडीज बनाने की पावर नहीं होती, बट ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स जो लास्ट टाइम पढ़े थे, जिन्हें हम साइटोकाइंस बोलते हैं। साइटोकाइंस में बताया था ना, इंटरफेरॉन्स एग्जांपल दिया था,
तो टी सेल्स जो है वैसे कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो नोन एज हेल्पर सेल्स। तो टी एच सेल्स होते हैं एक, जिन्हें बोला जाता है हेल्पर सेल्स, एक टाइप है ये टी सेल्स का। तो हेल्पर सेल्स हैं एज दे हेल्प द बी सेल्स टू सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो साइटोकाइनेंस बेसिकली खुद से सिंथेसाइज करते हैं और बी सेल्स की हेल्प करते हैं टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। नेक्स्ट चीज, इस टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी भी बोला जाता है, बहुत सारी जगह पे आप इसका ये नाम भी देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? नेक्स्ट टी सेल्स के बारे में एक चीज ये भी याद रखनी है कि टी सेल्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, सेल खुद जाके टारगेट करता है उस एक पर्टिकुलर पैथोजन को। तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बोला जाता है टी सेल रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर्स और TCRs। तो TCRs आर द रिसेप्टर्स विच आर गोइंग टू बाइंड टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। दे हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टी सेल वाली यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी इन्फ्लेमेशन के केस में, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, पार्ट वन जो इम्यूनोलॉजी का है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसके एंटीजन्स को परसीव करते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स, जिन्हें बोला जाता है एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग सेल्स। ठीक है, या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहीं बोला जाता है। वो उन एंटीजन वाले सेल्स को या उन एंटीजन्स को ले जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जिन्हें लिम्फ नोड या स्प्लीन बोलते हैं। तो वहां पे उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को ले जाते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को। तो जब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को वो प्रेजेंट कर देते हैं, तो उस रीजन में क्या होता है, तब जाके टी सेल्स जो है वो साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं और ये पूरी प्रोसेस होती है। यानी एक सेल से दूसरे सेल को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पैथोजन आ गया है। नेक्स्ट चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता करना कि जो टी सेल्स या बी सेल्स वाली जो इम्यूनिटी है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर जो भी हम इनेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके बीच में कुछ इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, इंटर रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी के डिफरेंसेस हमें डिस्कस करने हैं। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, और इंटर रिलेशन जो भी इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का होता है ये सब हमें डिस्कस करना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आगे आने वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जो भी एक्टिव पैसिव या फिर इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में होते हैं। थैंक्स अ लॉट।